महाराष्ट्र डॉग के सीन के चक्कर हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का ब्लॉग इधर से कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि दिन में का अभी दिन के टाइम बज रहे हैं 2:21, मतलब टाइम हो रहा है। मैं हूँ अपनी नानी के घर इधर मस्ती फुल मस्ती मूड में क्योंकि मेरे जो है वो स्कूल लग गए हैं। तो बाकी देख सकते हो काम इधर बहुत है, कुकड़ियाँ तोड़ दी हैं वो उसके छिलके, और ये देखो लाल चिट्टी पीली कुकड़ियाँ। आपके घर में भी ऐसा हाल होगा तो बताओ कि कैसा हाल है। बाकी मेरे पीछे आप देख सकते हो अभी तक कुड़कैला नहीं प्लेट है, थोड़े दिन में इसको भी इसका काम भी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा खिला खिला। तो ये वाला हमने तोरिए के लिए खेत जो है वो बना दिया है। तो आज का व्लॉग इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि सुबह यार टाइम ही नहीं लगा, सुबह से मैं क्या कर रहा था ऐसे ही सोया बड़ा था। बाकी आप देख सकते हो ये कुकड़ियाँ हैं तोड़ दी हैं, वो तोड़ने वाली हैं, थोड़ी सी दो टेरू रहे हैं, एक वो ये वाला एक ये वाला, दो टेर रहे हैं। बाकी आगे पीछे का व्यू देख सकते हो, बेलें बहुत हो गई हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ चोरी करने, मतलब अपने ककड़ी लाने। तो आप देख सकते हो इस वाले खेत में जाऊँगा, ये वाला खेतर, यहाँ पे ककड़ियाँ लगी हैं और देखता हूँ कहाँ कहाँ हैं मिलेंगी, तो बताता हूँ मैं आपको काट के खा के। गाइस मैं खेत में घुस गया, यहाँ पे जो है टांडे बहुत हैं, इनकी लगती भी बहुत है, और इस टाइम जब ये पक गए होते हैं तो इस इनमें वो भी होते हैं, वो गान रिंगड़ जो होते हैं बट फूटने वाले वो भी बहुत होते हैं। मैं अभी खेत के बीच जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है एक्चुअली कहाँ पे ककड़ियाँ, क्योंकि मैं कल परसों ही यहाँ पे आया था, लेकिन मुझे ऐसे बताया कि इस वाले खेत में ककड़ियाँ हैं तो मैं यहाँ पर आ गया। तो एक आधा खीरा यहाँ से लेंगे, इसको बनाएंगे लून मार्च से, अच्छे से खाएंगे। तो गाइस बेल तो मिल गई है, तो बेल मिल गई है, और यहाँ पे देख सकते हो ये छोटी सी ककड़ी लगी हुई है एज यू सी, लेकिन इतनी सी कुछ नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि तो मैं जो बड़ी ककड़ी खाऊंगा। देखिए इसके साथ ही कहीं लगी हुई। फाइनली गाइस दो ककड़ियाँ मैंने ले ली है और अभी मैं घर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं लून मिर्च अच्छे से पीसूँगा और इनको खाऊँगा एकदम बढ़िया तरीके से। बाकी जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, थोड़े दिन में मैं उनको शो करने वाला हूँ, अभी तो हाइड हैं, थोड़े दिन में मैं अपने सब्सक्राइबर शो करने वाला हूँ। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मतलब ऐसे अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो ऐसे मोटिवेट सा फील होता है, तो रेगुलर वीडियो डालने का मन करता है। तो चलता हूँ अभी मैं बनाता हूँ इनको और आपको भी बताता हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए और मैं आया हूँ अपनी घोड़ियाँ लेने, मतलब यहाँ पे भी घोड़ियाँ हैं जनरली में, इनको लेने आया हूँ यहाँ पे। तो एक चीज़ बताता हूँ, पीछे का व्यू देखो, अल्टीमेट व्यू है, मतलब यहाँ पे सब पूरी ये ऊपर से नीचे का व्यू अल्टीमेट व्यू है,
यहाँ से किसी ने मरना हो, सुसाइड करना हो तो कर सकता है, ऐसे हम रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं। इतने टॉप गाइज, इतने टॉप पर इतना क्लासिक व्यू कहीं पे देखने को मिलता है, देख सकते हो कितना खतरनाक व्यू है। ये जो है जिंदरा अली ही इसको घोल रहे हैं, और उस साइड वो देख सकते हो डोडला एंड वगैरह शगैरह, ये तार है पूरी, ये इस जगह का नाम है। और उधर क्लूहिदार उस साइड, मतलब ऊपर से व्यू एकदम अल्टीमेट दिख रहा है। वो देखिए वो रोड है, हाईवे मेन रोड बनी बसोली का, और इस साइड देख सकते हो अल्टीमेट व्यू है यार। तो गाइस कैसा व्यू लगा आपको बता सकते हो, वो देख सकते हो पहाड़ियाँ उधर, और पीछे भी पहाड़ी है ये देख सकते हो। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में वो उधर ऊपर लेके जाऊंगा वो ऊपर। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, अब मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करो। सब्सक्राइब तो अभी कर दो यार, क्योंकि घाटे में चल रहा है काम, थोड़ा मोटिवेट हो जाता है बंदा। बाकी आपको ऐसे पहाड़ी गांव के ब्लॉग, मतलब मेरे रिलेटेड ब्लॉग्स आएंगे डेली, मतलब डेली क्या, जब तीसरे दिन, मतलब पहले या तीसरे दिन मैं ब्लॉग ऐसे डाल दूंगा। तो बस यहाँ वीडियो हम एंड करते हैं, और अगली वीडियो आएगी कल, जो कि मैं फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैं फर्स्ट टाइम।